प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर कुछ आला अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रामवासियों को कुछ भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एटा के सरनौ के एक नगला नहिया गांव में सरकारी सुविधाओं से वंचित है लोग। यहां तक कि लोग कीचड़ से निकलने पर मजबूर हैं। करीब 15 साल पहले कराया गया खड़ंजा, अभी तक उसके ऊपर कोई भी विकास नहीं हुआ है। बारिश के समय में खड़ंजा के ऊपर पानी भर जाता है, जिससे ग्रामवासियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान से शिकायत भी की कि हमारे गांव में खड़ंजा और नाली को ठीक किया जाए। जवाब में ग्राम प्रधान ने कहा कि आप लोगों के वोटों से नहीं जीतता हूँ, इसलिए मैं नहीं कराता कोई काम, और मैं जीतता हूँ उनको मैं वोटों के पैसे देता हूँ। इस बार ग्रामवासियों ने मीडिया का सहारा लेते हुए बताया कि हमने कई खड़ंजा और नालियों की शिकायत की है, लेकिन अभी तक ना तो खड़ंजा बना और ना ही नाली, और कहा है कि जल्दी से जल्दी खड़ंजा और नाली का निर्माण कराया जाए। यह सब कहना था ग्रामवासियों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। कौन सा गांव है ये? ये नगला नैया। थाना कौन सा है? मरियाची। क्या समस्या आ रही है आपको, जो अभी इस गांव में विकास नहीं हो पा रहा है, तो बताएं आप। सर, हमने प्रधान के लिए कई बार, हमने एक बार कंप्लेंट भी की थी वहाँ पे मंगल दिवस में जाके। कहीं लिखित में दिया था आपने? लिखित में दिया था, और DM साहब वहाँ पे मौजूद थे उस समय, जिस समय दिया गया था। आज से करीब 6 साल पहले की बात है। और प्रधान जो है, रेगुलर 10 साल हो गई यहाँ बने हुए प्रधान को। आज तक उन्होंने 10 साल से और उसके 5 साल पहले से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। वोटों के लिए तैयार। कितना समय हो गया इसको? इस प्रधान को 10 साल हो जाते हैं साहब, ये नवम्बर में। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है अजय यादव। उनकी वाइफ है, मतलब प्रिया शांति। कहाँ रहते हैं वो? सरनौ के निवासी हैं, लेकिन रहते एटा में है वो। उनका मकान सब एटा में है और गांव में कुछ भी नहीं है उनका। क्या नाम है आपका? सुकंता नाम। इस गांव का नाम क्या है? नहीं नगरा। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या आ रही है आपको? हमें जो समस्या आ रही है कि जो पानी बच जाता हम ली जाता है। अच्छा, तो आपने अभी तक कहीं कंप्लेंट की है? अभी तक नहीं। हमने कभी प्रधान से बोला है? हाँ हाँ। तो क्या कहा प्रधान ने? कहीं करवा देंगे। कितना समय हो गया इसको? ये कितने समय से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? द्वारा पे हमने खुद करो उखारे के सबन न बुझो। वो तो किया है, लेकिन आप इस समस्या से कितना समय से जूझ रही हैं? 10-8 साल है गई। 10-8 साल हो गए। प्रधान ने अभी तक कोई कोई कार्रवाई नहीं की? सुनता ही नहीं, कहते सब मरेगा। कहाँ रहते, कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जी कहाँ रहते हैं? आता है, घूम जाता है, हम कह देता है, सोई जगह देता है, हाँ कट जाएंगे। तो उनसे आपने, किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे हमको ये समस्या है, आप हर साल जब आप 10 साल से उनको वोट दे रही हैं, तो 5 साल में प्रधान हट जाता है, वोट ले जाता है और जगह देता है, करवा देंगे। आप वोट दिया, अगले 5 साल के बाद फिर आपने वोट दिया उनको, क्यों दिया जब उन्होंने विकास नहीं कराया? तो सब वोट तो सब देता है प्रधान, तो फिर वोट तो सब जने देता है। सब देते हैं वो? हाँ। तो सभी को समस्या है, सिर्फ आप ही को समस्या है? सब जनता को ही है, हमें ज्यादा है। क्यों भाई, हमारे द्वारा पे है तो हम उली चाहते और हम की से बत्ता है, हम सब काम करते हैं। तो आपने इसकी DM साहब को कभी कंप्लेंट करी है? हम ना करी है। आपने नहीं करी है? आपके गांव के किसी निवासी ने? किसी ने? क्यों नहीं की? गांव के गई ने? क्यों? प्रधान से कह जाता है अगले महीना होएगो, के अगले महीना होएगो, के 15 दिन बाद होएगो, ऐसे लांचो दाई रहता है। तो अगले महीने होते होते आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल से इस गांव में विकास नहीं हुआ है ना। क्या नाम है आपका? हमारा सतीश यादव। सतीश यादव जी, आपका ये गांव है, क्या नाम है आपके इस गांव का? नैया नगला। यहां पे जो विकास का मामला है, जैसे कि जो नालियों की व्यवस्था है और ये खरंजा है, काफ़ी टाइम से ये व्यवस्थाएं भंग पड़ी हुई हैं। नहीं, यहाँ के प्रधान साहब हैं, आप कोई काम कराते नहीं है, क्या मामला है, कब से नहीं हुआ है? वोट ले लेते हैं और बस अपने दाएं बाएं हो जाते हैं बस, और क्या, तो उन्हें वोट नहीं तक का मामला रहता है। आपने एक आध बार अभी तक उनसे कहा है, कभी बुलाया उनको? एक बार कहा है, कई बार कहा है, इसके पापा ने भी कहा है, बहुत तरह कहा है, मगर सुना ही नहीं आता उन्हें, सुनी अनसुनी कर देते हैं। 2-4 बार कहा है, उधर पोस्टमैन ने अपना करा लिया धीरे धीरे, और यहाँ का कोई पता नहीं। अब हो रहा है। उन्हें कितना समय हो गया, ये कितना पुराना खरंजा है? ये कम से कम 10-15 साल पुराना है। 10-15 साल पुराना है। तो आपने अभी तक ये कभी कहीं अधिकारी को या DM साहब को कहीं एप्लीकेशन वगैरह कभी दी है? अभी तक नहीं, ये हमने नहीं दे पाई, हमें टाइम ही नहीं मिला, अपना काम में लगे, बिजी रहे जैसे तैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रपाल सिंह।
चंदपाल जी, आपका ये जो रोड बन ये रोड है, ये कब से नहीं बना ये रोड? ये तो सर जब से ये प्रधान बने हैं तब से ये रोड पड़ा हुआ है, लेकिन इनसे बार बार कहा जाता है, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, न किसी जनता की सुनी। और गांव जो चक रोड पड़ा हुआ था वो भी किसान लोगों ने अपना काट लिया, लेकिन उसकी भी प्रयास किया था कि भैया ये चक रोड को न काटा जाए, लेकिन उन्होंने उस बात पर भी वो नहीं किया कि ये चक रोड क्यों काट रहे हो। उसके बाद में हमारे गांव के बच्चे जो विद्यालय नगला मंदाती पढ़ने के लिए जाते थे, उस बार भी कहा था यहाँ पर बहुत जाय झुगड़ा हो जाते थे, लेकिन सांप के सांप वगैरह जहरीली कीड़ों का विस्फोट था, लेकिन उस टाइम पे भी प्रधान ने नहीं सुना था। ये रोड कहाँ के लिए जाता है? ये रोड सर हमारे नगला गांव नगला नैया से नगला मंदाती है तक है ये रोड, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं की गई। मतलब चक रोड ये ऐसे ही के ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसा ही पड़ा हुआ है सब। ये प्रधान हवलदार सिंह ने डलवाया था उस टाइम पे, जब प्रधान हवलदार सिंह थे उस टाइम पे ये चक रोड हटने के बाद में उनके में ये वो निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद में ये अजय प्रधान हुए थे, उसके बाद में उन्होंने से कहा था कि इस चक रोड को हमारे को सेफ करिए, इस पर खरंजा वगैरह बिछाइए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा और न कुछ सुना जनता को। जो मतलब कहने का जो वोट देता है उसका तो काम होता है, और जो वोट नहीं देता है उसके लिए कोई काम नहीं किया जाता। कौन है मौजूदा प्रधान? कौन है मौजूदा प्रधान? अभी आए हैं साहब, वो क्या कहते हैं, शांति देवी। शांति देवी, हाँ जी। कितने समय से प्रधान है वो? ये साहब ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अच्छा, हाँ जी।